लॉकडाउन के बीच आज से सबके लिए रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। पहले दिन इसकी शुरुआत 8 ट्रेनों के सफर से होगी। यात्रा वही कर सकेंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्टेशन पर सभी यात्रियों का मेडिकल चेकअप होगा। कोरोना के लक्षण नहीं मिलने के बाद उन्हें यात्रा की परमिशन होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लॉकडाउन का लॉक खुलेगा या नहीं ये तो कह नहीं सकते, पर ये तय हो गया है कि आज से सबके लिए रेलगाड़ी सर पर दौड़ने वाली है। मंगलवार के दिन मंगल यात्रा पर निकलने वाली ट्रेनों की बुकिंग हो गई है, सारी सीट भर गई। 3 घंटे में 54,000 से ज्यादा टिकटों की बुकिंग हो गई। टिकट के लिए उमड़ी इस भीड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने अपने शहर जाने के लिए लोगों में किस कदर की बेचैनी है। जो लोग प्रयाण करते उनका जिम्मेदार भी उतना ही जरूरी है। उनका हेल्थ ठीक रहना, उनका आरोग्य स्वस्थ रहना, वो जाने के लिए। नई दिल्ली स्टेशन से आज यात्रा करने वाले जिन मुसाफिरों के पास कंफर्म टिकट है वो स्टेशन में सिर्फ पहाड़गंज की तरफ से ही एंट्री कर सकेंगे। बिना कंफर्म टिकट वाले स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है जिसके मुताबिक सभी यात्रियों की स्टेशन के एंट्री गेट पर आवश्यक स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन यात्रियों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति होगी। सभी स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट और कोचों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसका इस्तेमाल अनिवार्य होगा। स्टेशन पर दाखिल होते समय यात्रा के दौरान यात्री को मास्क पहनना और चेहरा ढकना होगा। एंट्री एग्जिट और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। आज से चलने वाली सभी ट्रेनों में एसी कोच हैं, लेकिन यात्रा के दौरान रेलवे एसी बोगियों में कंबल चादर नहीं देगा। यात्रियों को इसका प्रबंध खुद करना होगा। वहीं हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे ने भी ये साफ कर दिया है कि यात्रियों को स्टेशन कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना होगा ताकि हर यात्री मेडिकल जांच से गुजर सके। स्टेशन आने के लिए यात्रियों को अलग से पास की जरूरत नहीं होगी, उनके कंफर्म टिकट ही स्टेशन पहुंचने का पास होगा। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमैटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली समेत तमाम स्टेशनों में आज की यात्रा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। स्टेशन में रेलवे के बड़े अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे। साफ सफाई के लिए जो भी केमिकल दिया गया है, सैनिटाइजर के लिए हर सीट और खम्भे दीवार, जो भी रेलिंग है हाथों में पकड़ने के लिए, पैसेंजर जो पकड़ के चढ़ता है उतरता है, वो सारी चीज़ों को हमने साफ सफाई पूरी तरह करवा दिया। और रात जहाँ तक मुझे लगता है कोई काम हमको सफाई के लिए ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कामयाबी तक इस कोरोना वायरस को हमें पहुँचाना है कि ताकि किसी भी तरह का कोई हमारे से चीज छूटना कि किसी को ये चीज़ इफेक्ट लगते। मंगलवार के दिन रेलवे मंगल यात्रा की पूरी तैयारी कर चुका है। यात्री भी तैयार हैं, लेकिन इस जोश में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ संक्रमण के तमाम खतरे से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतनी होगी। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।